उज्जैन जिले के बड़नगर में गीता भवन ट्रस्ट समिति डॉक्टर जी एल ददरवाल ने 10,000 व्यक्तियों को ऑटो ग्लोब मास्क देने का लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 5,000 मास्क ऑटो ग्लोब करके वितरित किए जा रहे हैं। आज प्रथम चरण में 5,000 ऑटो ग्लोब मास्क बड़नगर नगर पालिका सभागार में SDM एकता जायसवाल, CMO कुलदीप किंकुश, हरिकिशन मेलवानी, डॉक्टर GL दर्दावल, सुभाष गुप्ते, सतीश निम्मा की उपस्थिति में सफाई कर्मियों और महिला बाल विकास समिति मंडी हम्मालो को प्रदान किए गए। दूसरे चरण में बड़नगर के स्कूल में स्कूली बच्चों को और कॉलेज छात्रों को वितरित किए जाएंगे। यह जानकारी गीता भवन ट्रस्ट अध्यक्ष हरिकिशन मेलवानी ने दी। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। तो गीता भवन ने ये तय किया है कि 10,000 मास्क तैयार करवा के और नगर में बांटे जाएं। तो आज पहले चरण में 5,000 मास्क हमने तैयार करके हमने नगर पालिका संपूर्ण सफाई कर्मचारी से लगा के स्टाफ, आंगनवाड़ी के पूरा तहसील का स्टाफ, मंडी के अंदर जितने हिमाल लोग तोल रहे हैं तोलावटी, इन सबको हम आज ये मास्क दे रहे हैं। तो लगभग पहले चरण में 5,000 मास्क से बटे जाएंगे और दूसरा चरण जिस दिन स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, तो शासकीय स्कूल और शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को लगभग 5,000 मास्क हम वितरित करेंगे। क्योंकि ये जो महामारी है ये कोई आज ख़त्म होने वाली नहीं है, इसके जो हमको एहतियात बरतना पड़ेगी, कम से कम दिवाली तक हमको ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, ऐसी चीज़ों को हमको चलना पड़ेगा, तब जाके ये महामारी समाप्त होगी। गीता भवन का एक लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना, इस आवश्यकता को हमने आज पूर्ण किया है। और जैसे भी सेवा कार्यों की और जरूरत होगी, गीता भवन हमेशा तत्पर है, ऐसे कार्य करता रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।